दुनिया का अजीबो गरीब पुलिया जिसको आपने शायद ही कभी देखे होंगे। ये देखो लकड़ी का पुलिया जिसमें से पूरा स्टूडेंट लोग पार हो रहे हैं। क्या ही बताऊं भाई, बहुत ही समस्या है गांव में। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हम लोग सब पैदल जा रहे हैं स्कूल, पैदल नहीं अभी बस में जाऊंगा मैं और ये लोग पैदल जाएंगे। इतना सारे स्टूडेंट सब दिख रहे हैं। इनका नाम है ऋषभ, पीछे का संजय, रविंद्र और अंकुश की क्या नाम है। तो हम लोग सब जा रहे हैं, अभी बस स्टैंड वहाँ पर है, वहाँ बहुत आगे है, वहाँ का सीन दिखाऊंगा आप लोगों को। और मेरा दोस्त आशीष लोगों का घर के पास अभी हूँ रास्ता। तो फ्रेंड्स, अभी रास्ता में एक नदी है, वहाँ का सीन बहुत प्यारा है, मैं वहाँ का सीन को दिखाऊंगा। इसके बाद में वहाँ पर छोटा सतुर्रा है, वहाँ का सीन दिखाऊंगा। इसके बाद में बस स्टैंड दिखाऊंगा। इसके बाद पूरा सन्ना दिखाऊंगा, मेरा स्कूल दिखाऊंगा, कहाँ पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग नदी के पास पहुँच चुके हैं, तो नदी का प्यारा सीन दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये पूरा नदी है और जब पानी आता है तब बहुत पूरा बाढ़ आता है, इसमें आने जाने में बहुत समस्या होता है। और मेरा चप्पल में तो अभी कीचड़ लग गया है, उसको मैं नहीं दिखा सकता हूँ। और दुनिया का अजीबो गरीब पुलिया जिसको आपने शायद ही कभी देखे होंगे। ये देखो लकड़ी का पुलिया जिसमें से पूरा स्टूडेंट लोग पार हो रहे हैं। क्या ही बताऊँ भाई, बहुत ही समस्या है गाँव में। और उधर से आशीष का चाची आ रही है। पूरा नदी में मैं पार हूँ, ये देखो पूरा नदी, मैं यही नदी में पार हुआ हूँ अभी। तो इसके बाद मैं दिखाऊंगा अभी बस स्टैंड का सीन, इसके बाद मैं सन्ना का सीन दिखाऊंगा। अभी के लिए इतने। तो फ्रेंड्स, अभी हम बस स्टैंड पहुँच चुके हैं, ये देख सकते हैं मेन रोड, और उधर बाकी दोस्त लोग सब जा रहे हैं उधर पढ़ने, उधर से हम। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुँच चुके हैं सन्ना बस स्टैंड। ये है सन्ना बस स्टैंड, देख सकते हैं यहाँ पर। उधर से मैं आता हूँ उधर से, और इधर जसपुर रोड है राइट साइड, और इधर मेरा कॉलेज है। तो अभी फाइनली अभी मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया, मैं बहुत लेट यहाँ पर बैठा था, इंतज़ार किया, लेकिन भी क्या कहिएगा, कोई आए नहीं। फ्रेंड्स लोगों को कॉल किया हूँ, उन लोगों को बुलाया हूँ, सर देखते हैं पूरा बस स्टैंड, सब दूध भी बेचने के लिए लाते हैं, बाकी इधर होटल वोटल है। तो चले चलते हैं वहाँ स्कूल, इसके बाद मैं स्कूल का प्यारा प्यारा सीन दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम घर जा रहे हैं, कॉलेज का छुट्टी हो चुका है। तो अभी ये बीच का रास्ता में सीन है, ये बहुत प्यारा लगा था, इसको मैं रिकॉर्ड कर लिया, आप बताना आपको कैसे लगा। फिर अभी हम लोग सन्ना का बस स्टैंड वाला सीन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम सन्ना बस स्टैंड सीन पहुंच चुके हैं, और देखिए यहाँ कितना अच्छा प्यारा वाला सीन है। थोड़ा फास्ट वीडियो है, तो देखिए कितना प्यारा सीन है, सन्ना का बस स्टैंड है। तो थैंक यू सो मच अंकित कुमार, मेरे को ला दिया यहाँ पर, यही बोलना था बस। वीडियो रिकॉर्ड हो गया बट मेरा आवाज़ नहीं आया, इसलिए मैं बाहर से वॉइस ओवर कर रहा हूँ। ये मेरा फ्रेंड है जो ला दिया मेरे को, थैंक यू सो मच यार। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम आ चुके हैं कॉलेज से, और बाकी सूर्य अस्त होने वाला है, देख सकते हैं। मेरा नाम भी सूरज है, सूर्य भी अस्त होने वाला है। बहुत ही शाम हो जाता है, 5 बज जाते हैं अभी, फाइनली 5 या 5:30 बज रहा होगा, मेरे को उतना पता नहीं, लेकिन लग रहा है कि 5 ही बज रहा होगा, क्योंकि हम लोग 4:30 बजे वहाँ बस चढ़ते हैं सन्ना में, फिर यहाँ मेरा गांव आस्ता है, तो यहाँ पर मेरे को कितना बोले तो आधा घंटा पहुँचा देता है। तो अभी 5 बज रहा होगा, अभी मैं घर जा रहा हूँ, घर में कपड़ा वपड़ा चेंज करूँगा यार, बहुत थका देता है, बहुत कॉलेज वाला बहुत हार्ड पढ़ाई होता है, मेरा तो दिल धक 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 करते रहता है। मैडम लोग कभी भी उठा के पूछते हैं, पड़काए हो जी, क्या पड़काए, मैं 1 वीक से गया नहीं था, आज 1 वीक में शनिवार को गया था, सोच लो कतई जहर। तो फ्रेंड्स, मैं घर जाके दिखाऊंगा, कपड़ा वपड़ा चेंज करूंगा, फिर मिलता हूँ। सॉरी सॉरी, कल मिलूंगा, आज के लिए इतने।